माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने चल रहा हूँ जो देखने में आपको बहुत इजी होंगी बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है, वर्ड्स दूसरे होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम बोलते समय जब बोलेंगे तो दूसरी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा और वो लिखा दूसरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे कमेटी की स्पेलिंग बताइए तो आप पढ़ते क्या है? कमेटी। क्या पढ़ते हैं? कमेटी। क्या पढ़ते हैं? कमेटी। हिंदी में ना क्या बेटा ऐसा होता है तो कमेटी, लेकिन इसका जो मीनिंग होती कमेटी की वो होती है COMMITTE और डबल ई, ये होता है कमेटी, इसकी कमेटी की स्पेलिंग। और इसकी अब हिंदी मीनिंग जो होती है वो होती है समिति। क्या होती है? समिति। तो बेटा आपको ये हमेशा याद रखना है कि कमेटी COMMITTE। ओके? यस सर। कमेटी की हिंदी होगी समिति। ओके? यस सर। आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए बेटा, कभी कभी होता है कि आपसे कहा जाता है जगना। क्या कहा जाता है? जगना। जगना की जो होती है दो मीनिंग्स होती है बेटा। कितनी मीनिंग्स होती है? दो। एक होता है गेट अप। क्या होता है? गेट अप। गेट अप। और दूसरी होती है बेटा इसकी वेक अप। क्या होती है? वेक अप। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की मीनिंग होती है जगना। क्या होती है? जगना। जगना। तो देखिए, दोनों बहुत नॉर्मल, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। पहला अंतर, अगर जब हम सपोज कि आप बिस्तर पर सोए हुए हैं और कोई कहता है कि जग जाओ, तो आप जग जाते हैं। तो जगने के बाद आप जब बिस्तर पर बैठे रहते हैं, जमीन पर अपने पैर नहीं रखते हैं, तो इस स्थिति को गेटअप कहा जाता है। ध्यान से समझिए, कब? जब हम मान लीजिए अपने बिस्तर से उठ तो गए हैं लेकिन हम अपने बिस्तर को छोड़े नहीं हैं, तो क्या होगा? गेट अप। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ही गेट अप का एग्जाम्पल होगा बेटा, ही गेट्स अप एट 4 AM। इसका मतलब होता है कि वह चार बजे उठ जाता है, जग जाता है। तो लेकिन जग तो रहा है, जगने के बाद वो अपना जो काम है कुछ कर नहीं रहा है, अपने बिस्तर पर ही बैठा हुआ है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे गेट अप। क्या कहेंगे? गेट अप। और दूसरा मैंने बताया था आपको वेक अप। वेक अप का मतलब होता है बेटा, जो ये वाला है वेक अप, वेक अप का मतलब होता है जब हम जगे, अपने बिस्तर को छोड़ दें, अपने काम में लग जाएं, तो इसी सिचुएशन को हमेशा हम क्या कहते हैं? वेकअप कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आप सोए, सोने के बाद जब आप उठ रहे हैं, उठने के तुरंत बाद आपने अपने बिस्तर को, अपने बेड को छोड़ दिया। तो जब आपने अपने बिस्तर को छोड़ा, अपने काम में लग गए, तो इस सिचुएशन को हमेशा हम क्या कहेंगे? वेकअप। फॉर एग्जाम्पल, तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 AM। इसका मतलब ये होगा बेटा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, जग जाता हूँ। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। तो आपको इतना याद रखना है कि जब हम बिस्तर पर बैठे होंगे जग तो जाएंगे, इस सिचुएशन को आप कहेंगे गेट अप। और जब आप एकदम से बिस्तर को अपने लीव कर देंगे, अपने वर्क में लग जाएंगे, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? वेक अप।
एनी डाउट? नो सर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो